नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में आखिर कौन व्यक्ति कामयाब नहीं होना चाहता? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होने के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है और यह कामयाबी महाराज जी से जुड़ने के पश्चात आपको निश्चित मिलती ही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कामयाब होने वाले व्यक्ति में या एक कामयाब हो चुके व्यक्ति में कौन से ऐसे पांच लक्षण होते हैं जो समान होते हैं, यानी कि हर कामयाब इंसान के पास वे कौन सी पांच ऐसी आदतें होती हैं, वे पांच गुण कौन से होते हैं जो कि आप पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में बहुत सफल हुआ है। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसे ही पांच उन गुणों की, पांच ऐसे लक्षणों की जो आपको एक कामयाब व्यक्ति की पहचान बताएंगे। सबसे पहली बात आती है कि ज्ञान। अब देखिए, जीवन में ज्ञान कई तरीके का हो सकता है। वह आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है, वह व्यवहारिक ज्ञान भी हो सकता है, वह व्यवसायिक ज्ञान भी हो सकता है। यहां ज्ञान का मतलब सूचना या जानकारी से है। ऐसे में आपको समाज के हर विषय पहलुओं की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपने ज्ञान को आप इस प्रकार से संजो के रखिए, जो भी ज्ञान आपको ईश्वर की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान का बखान मत करिए, बल्कि उस ज्ञान को एक बहते हुए जल के समान सभी तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। क्योंकि अगर आपके द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान आप तक ही सीमित रह गया तो जीवन में ऐसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए ज्ञान को प्रदान करने से कहा जाता है कि ज्ञान जब आप किसी को प्रदान करते हैं तो उस ज्ञान में वृद्धि होती है, ना कि उस ज्ञान में कमी आती है। इसीलिए आपके द्वारा जितना भी ज्ञान अर्जित किया गया है उसे किसी दूसरे की भलाई में इस्तेमाल करना प्रारंभ करिए। यह एक सफल व्यक्ति का सबसे अद्भुत लक्षण है। इसके अलावा जीवन में आपको एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। बात करने जा रहे हैं दूसरी ऐसी आदत के विषय में जो कि है सजगता एवं खुलापन। खुलापन का आशय यहाँ पर फुहड़ता से बिल्कुल नहीं है। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि दिमाग की खिड़कियां खुली रखो, यानी कि अपने आसपास के माहौल में जो चीजें घटित हो रही हैं उन घटनाओं के बारे में हमेशा सजग रहना जरूरी है। जिस इंसान में ये गुण होता है वह इंसान कभी जीवन में असफल हो ही नहीं सकता है। अब बात आती है खुलेपन की। खुलेपन का आशय यहाँ पर यही है कि अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने व्यवहार को इतना आसान रखिए, एक खुली किताब के समान रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति आपको पढ़ सके। यानी कि आपका जो व्यवहार है वह सबके लिए एक समान सा होना चाहिए। खुलेपन का आशय यहाँ पर यही है। अपनी बात को कहने में हिचकिचाइए मत, क्योंकि बहुत से लोग आपके चरित्र को पहचानना प्रारंभ करते हैं। हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को पढ़ता है, तो आपका चरित्र आपकी बातों से, आपके विचारों से और आपके आध्यात्मिक ज्ञान से दूसरों तक आसानी से पहुंचना चाहिए। यानी कि इससे आपको लाभ क्या मिलेगा? इससे लाभ यह मिलेगा कि हर व्यक्ति आपके बारे में एक समान विचार रखेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही खुले और परिवर्तनकारी विचारों वाला है, और क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्तियों को अवश्य ही जीवन में सफलता मिलती है। लोग उनको आसानी से संपर्क साधने में भी कामयाब होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम तीसरे लक्षण के बारे में। तीसरा लक्षण कौन सा है? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से अपने जीवन में अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जो धन एकत्रित करता है, जो संचित करता है धन को, ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव सुखी रहता है। अच्छा, सुखी रहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो भी जीवन में आप कार्य करते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे आप कर्मचारी हो या जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो, वहां पर जो भी धनार्जन आपको हो रहा है वह धनार्जन इस प्रकार से होना चाहिए कि वह कभी किसी के कष्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने एक धन अर्जन का कार्य किया जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को यदि दुख पहुंचता है तो आप ये कभी नहीं मान सकते कि वह धन आपके किसी अच्छे कार्य में लगेगा। तो इसीलिए उस धन का अर्जन ऐसा होना चाहिए जिसमें कभी किसी को पीड़ा ना हो, किसी को कष्ट ना हो। अचानक कोई घटना घटने या परिस्थिति बदलने में आपके साथ केवल आपका संचित धन ही साथ दे सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हमेशा जीवन में ऐसा ही धन अर्जन करिए जिसमें आपको पूर्ण विश्वास हो और ईश्वर का
आशीर्वाद हो कि जो भी धन मैंने अपने जीवन में अब तक कमाया है, इस धन से कभी किसी का अनिष्ट नहीं करके मैंने ये कार्य किया, या इस धन को मैंने ऐसे नहीं कमाया कि कोई व्यक्ति इस धन से नाखुश था और मैंने किसी न किसी प्रकार से छल से, कपट से, डरा कर, धमका कर उस धन को कमाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ईमानदारी से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने कार्यक्षेत्र से धन कमाइए। ऐसा धन सदैव आपका साथ देगा, अच्छे कार्यों में इस्तेमाल होगा, और ऐसा ही धन आपके आने वाले भविष्य में और भी धन के स्रोतों को बढ़ाएगा। तो इसीलिए यह लक्षण आप में होना परिपूर्ण है। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे लक्षण की, जो कि एक कामयाब व्यक्ति की बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वह चौथा लक्षण है आत्मविश्वास। यानी कि किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद पर भरोसा करना। यदि आपको यकीन होगा कि आप यह काम कर पाएंगे, तभी आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। जब किसी कार्य को करने से पहले ही आपके मस्तिष्क में यह विचार आ गया कि यह कार्य मुझसे होगा भी या नहीं होगा, तो ऐसा सोच या ऐसा विचार आना इसका सीधा सीधा आशय है कि आपको स्वयं पर यह विश्वास नहीं है कि उक्त कार्य आपके द्वारा हो सकेगा। तो इसीलिए जीवन में एक बात आपको याद रखनी है कि अपने आत्मविश्वास के अनुसार सफल होने के लिए कभी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा होने पर आपके जीवन में केवल और केवल कष्ट आएंगे और दूसरों की नजर में भी आप अपने आप को बहुत छोटा आंकना प्रारंभ कर देंगे। साथ साथ ही दूसरे लोग जो भी आपके हितैषी हैं, वह आपको इसी बात की सलाह देंगे कि जीवन में बाकी सब कुछ तुम ठीक कर सकते हो, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको स्वयं के अंदर ही झांकना होगा। अब बात करने जा रहे हैं हम पांचवें सबसे अद्भुत लक्षण की, जो कि एक कामयाब व्यक्ति की बहुत बड़ी शक्ति होती है, और वह है लगन से कार्य करना। यानी कि आप एक बात याद रखिएगा कि जीवन में जो व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कार्य क्षेत्र का हो, जब तक उस कार्य को इस प्रभार से नहीं संभालेगा कि यह कार्य उसका अपने घर का कार्य है, तब तक आप अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि जीवन में जब तक आप उस कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ शामिल नहीं होंगे, तब तक सफलता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंसान को उसके काम के प्रति जुनूनी होना चाहिए। इसीलिए जब तक आप अपने कार्य पर यह नहीं देख पाएंगे कि यह कार्य मुझे बहुत आगे ले जा सकेगा, या इस कार्य के द्वारा मैं जीवन में अपने आप को कई सालों तक स्थापित कर सकता हूँ, कई वर्षों तक स्थापित कर सकता हूँ, तब तक ऐसी सोच के बिना आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, नौकरी पेशा हों, तो आप ये बात याद रखिए कि हर कार्य को आप स्वयं का कार्य मान के चलिए। आप उसके नफे और नुकसान को अपने मस्तिष्क में रखकर चलिए, तो आप पाएंगे कि कोई भी कार्य आपसे गलत नहीं होगा। हर कार्य में आप अपना 100% देंगे और इसी से आपकी कामयाबी तय होगी। तो यह थे वे पांच अद्भुत लक्षण जो एक कामयाब व्यक्ति की सबसे पहली पहचान होती हैं, और आप इस क्रमांक के द्वारा एक सफल व्यक्ति को पहचान भी सकते हैं कि सफलता के मायने क्या हैं। वह ये पांच लक्षण जिस व्यक्ति में आपको दिख रहे हैं, या तो वे व्यक्ति सफलता के बहुत करीब है या सफलता को अर्जित कर चुका है। तो महाराज जी से जुड़ने के बाद भी ये पांचों लक्षण आप में अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि महाराज जी से जुड़ने के बाद निश्चित तौर पर आप सफल बनते हैं। इसीलिए मैं हर क्रमांक में आपको महाराज जी से जुड़ने के लिए, उनके सानिध्य में जाने के लिए प्रेरित करते रहता हूं। और यह आज का क्रमांक समाप्ति की ओर भी आ चुका है। आशा करते हैं कि इस क्रमांक से निश्चित तौर पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।